हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में दिखी तेजी। निफ्टी 50 अंक चढ़कर 17,787 पर बंद। सेंसेक्स में भी 200 अंक से ज्यादा की बढ़त। इस हफ्ते निफ्टी 1% से ज्यादा चढ़ा। हफ्ते भर में ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा भरी रफ्तार। नियमों का उल्लंघन का पता लगाने में मार्केट के रेगुलेटर सिर्फ एक कदम पीछे होगा, कोई कई कदम पीछे नहीं। आईआईएम बंगलुरु के फाउंडेशन डे पर बोली सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुरीपुज, कहा निगरानी के लिए एल्गो के इस्तेमाल पर जोर। शानदार रहे मारुति के नतीजे, मुनाफा 4 गुना बढ़ा। आय में भी 45% का इजाफा। मारुति के शेयरों में 5% से ज्यादा की तेजी। एलन मस्क ने फाइनल की ट्विटर की डील, ऑफिस का लिया चार्ज, सीईओ और सीएफओ को तत्काल प्रभाव से निकाला। डील शुरू होते ही शुरू हुआ सत्ता परिवर्तन का ट्विटर में खेल। एलन मस्क ने 4 बड़े अधिकारियों को पद से हटाया। $44 बिलियन में फाइनल हुई डील। गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए पीएम मोदी, कहा इस वक्त बंदूक तानने और कलम चलाने वाले दोनों नक्सलियों को जड़ से उखाड़ने की है जरूरत। पीएम ने की वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म की वकालत, कहा भले ही लंबा वक्त लगे लेकिन राज्य इस पर करें विचार। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनावों के चलते एक बार फिर टल सकते हैं लेबर रिफॉर्म। लेबर यूनियनों ने जताया कई नए लेबर कोड के प्रावधानों पर एतराज, अब विधानसभा चुनाव के बाद होगा फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में शोक सेतु सहित 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया उद्घाटन, कहा भारत प्रगति के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है आगे। मुंबई में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा आतंकवाद ने दुनिया के कई क्षेत्रों में को कर रखा है त्रस्त, भारत दूसरों के मुकाबले इसे ज्यादा समझता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक पर श्रद्धांजलि की अर्पित, कहा जो लोग समाज, देश और आजादी के लिए लड़े हैं उन सब के सम्मान में मैं यहां आकर उनका दर्शन करने जा रहा हूं, ताकि आगे के दिन अच्छे, सुगम और देश के हित में हों। राजस्थान के भीलवाड़ा में कर्ज के बदले बहन बेटियों की नीलामी का मामला गरमाया, खाप पंचायतों के दबाव में सौदा करने पर मजबूर। भीलवाड़ा मामले पर एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन रेखा शर्मा का ट्वीट, कहा एनसीडब्ल्यू ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया, मामले की जांच कर रहे हैं हम। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर से बीएसएफ को मिला एक संदिग्ध बैग, AK-47 राइफल, पिस्टल समेत भारी मात्रा में हथियार जब्त। ऐतिहासिक हम्पी मंदिर में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, भयंकर आग के चलते 5 दुकानें हुई खाक, ऐतिहासिक ढांचे को नहीं हुआ कोई नुकसान। आज से 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत, नहाए खाए के साथ लोक पर्व का आरंभ। छठ से पहले यमुना नदी में केमिकल का छिड़काव, जहरीले फॉर्म को हटाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने किया केमिकल का छिड़काव। केरल में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, पीएफआई के पूर्व राज्य सचिव सीए रऊफ को पलक्कड़ में उनके घर से किया गिरफ्तार, केंद्र सरकार के पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के बाद से थे फरार। ईरान में बीते 24 घंटे में खूनी प्रदर्शन, 24 घंटों में 8 लोगों को ईरानी सेना ने उतारा मौत के घाट। ईरान के महाबा में जारी है हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन, बड़ी संख्या में सड़कों पर लोगों ने किनारे बाजी। ईरान में मस्जिद पर हमले का नया सीसीटीवी वीडियो आया सामने, हाथ में गन लिए ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं आतंकी। हमले 15 लोगों की हमले में हुई मौत। अमेरिका के हवाई आइलैंड में फट सकता है दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की।
अमेरिका के मिनेसोटा में बंद हो चुके पावर प्लांट को गिराया गया। 2009 में प्लांट को किया गया था डिकमीशन। इटली के सिसिली इलाके में जंगल की आग बुझाने जा रहा प्लेन हुआ क्रैश, दोनों पायलटों की मौत। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमलों को लेकर किया बड़ा खुलासा। फरवरी से अब तक यूक्रेन पर 4,500 से अधिक मिसाइलों से हमले का लगाया आरोप। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस की सेना का वीडियो आया सामने, जंगलों के बीच मिसाइल अटैक करती दिखी सेना। MiG-31 जेट से हवाई गश्त करते दिखे रूस के सैनिक, यूक्रेनी SU-24 को हवा में मारने के लिए लॉन्च की मिसाइल। अमेरिका ने एक बार फिर किया यूक्रेन की मदद का ऐलान, भेजेगा $275 मिलियन की सैन्य मदद। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चीन को बताया करीबी मित्र, कहा चीन के साथ बढ़ रहा है रूस का व्यापार। जैविक युद्ध के दावों पर यूएनएससी ने रूस को लताड़ा, यूएन में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ने रूसी दावों को बताया मनगढ़ंत। रूस ने अमेरिका और यूक्रेन पर जैविक युद्ध की तैयारी का लगाया था आरोप। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज से शुरू करेंगे अपना हकीकी आजादी मार्च, कहा यह जिहाद तय करेगा कि देश किस ओर जाएगा। पाकिस्तान के लाहौर में इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी, एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान लगे घड़ी चोर के नारे। जिम्बाब्वे से पिटने के बाद सोशल मीडिया पर उड़ रहा पाकिस्तान का मजाक, गिरिराज सिंह ने भी पाकिस्तान पर किया कटाक्ष। इटली के मिलान में शॉपिंग सेंटर में युवक ने चाकू से किया हमला, फुटबॉल स्टार पाब्लो मारी सहित 6 घायल, एक की मौत। पत्नी पर कार चढ़ाने वाला फिल्म प्रोड्यूसर कमल किशोर मिश्रा गिरफ्तार, दूसरी महिला संग रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद पत्नी पर चढ़ा दी थी गाड़ी। मनीष पॉल ने बेटे युवान को विराट कोहली से मिलवाया, फोटो पर खूब हो रही एक्टर के बेटे की तारीफ। 5 भाषाओं में फिल्म यशोदा का ट्रेलर रिलीज, प्रेग्नेंट महिला के किरदार में नजर आई सामंता, 11 नवंबर को सिनेमा घरों में आएगी फिल्म। 28 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म वेब सीरीज, OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी फिल्म, मुख्य किरदार रजत के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी कहानी। द इमोर्टल अश्वत्थामा फिल्म में सामंथा ने सारा को किया रिप्लेस, अब फिल्म में नहीं दिखेंगी विक्की सारा की जोड़ी, मेकर्स को चाहिए उम्र में बड़ी एक्ट्रेस। सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा तनाव का टीजर रिलीज, इजरायली सीरीज से ली गई है कहानी, अरबाज खान की होगी वापसी। द कपिल शर्मा शो में भूत बनकर कपिल को डराने पहुंची थी कैटरीना कैफ, फ्लर्ट करते दिखे कॉमेडियन।